بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा, अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा, तू खालिक अल्लाह कल्ले कुल जगाना दा, तू खालिक अल्लाह कल्ले कुल जगाना दा, अल्लाह तेरे फजलां दा कोई भी शुमार नहीं, अल्लाह तेरे फजलां दा कोई भी शुमार नहीं, बंदा नहीं हो तेरा जेड़ा शुक्र गुजार नहीं, बंदा नहीं हो तेरा जेड़ा शुक्र गुजार नहीं, कईं सारी उम्र नानी ती, कईं सारी उम्र नानी ती, कई लभदे फिरन मसीती, कई सारी उम्र नानी ती, कई लभदे फिरन मसीती, शौक अदाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा, तू खालिक अल्लाह कल्ले कुल जहाना दा, अल्लाह कौन करे इनकार, अल्लाह तूए मखलूक वखरी बनाइए, अल्लाह तूए मखलूक वखरी बनाइए, कोई तेरा बागिए ते कोई सदाइए, कोई तेरा बागिए ते कोई सदाइए, तेरी रहमत दे दर खुले, कई याद करन कई भुले, तेरी रहमत दे दर खुले, कई याद करन कई भुले, फर्क ईमाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा, तू खालिक अल्लाह कल्ले कुल जहाना दा, अल्लाह कौन करे इनकार, जेड़े लोकी अल्लाह तेरे दारे उत्ते आंदे ने, जेड़े लोकी अल्लाह तेरे दारे उत्ते आंदे ने, भर भर झोलियां ओ घरां नू ले जांदे ने, भर भर झोलियां ओ घरां नू ले जांदे ने, तू डाडाए लजपाल, तू डाडाए लजपाल, तू रखनाए आप ख्याल, तू डाडाए लजपाल, तू रखनाए आप ख्याल, अपने मेहमाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा, हमदो सना किबरियाई यकताई बड़ाई तन्हाई शहनशाही हर किस्म दी वड्याई, अल्लाह वहदहु ला शरीक दी दाते गिरामी दे वास्ते, जो के साढ़े सारियां दा खालिक भी है, मालिक भी है, राजक भी है, अला कुल्ली शैइन कदीर यफअलू मा यशा, अलीमुन हकीम बड़ा ही बरीक बीन अल्लतीफ है, शैन शाहां दा शैन शाह है, बादशाहां दा बादशाह है, जिस दी औलाद कोई नहीं, जिस दा माँ बाप कोई नहीं, यकता है अकेला है, दरूदु सलाम इमाम मोहसन इमामुल अंबिया अंजमे ताहा हबीबे किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाते अकदस दे वास्ते, जिन्हों अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते बेहतरीन रहबर रहनुमा मुअल्लम बना के इस दुनिया कायनात के अंदर मबूस फरमाया, हजरात हाजरीन
रमजान उल मुबारक दा अज दूसरा खुतबा जुमातुल मुबारक है, जो के बड़ी सआदत दी बात है कि समुंदर मंडी दे अंदर आप अहबाब दे पुर नूर खूबसूरत पुर ईमान बारौनक चेहरिया दा दीदार करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मौला करीम अहले ईमान कलमा पढ़न वाले रोजेदार जिमें अज तेरे घर अंदर जमा ने अल्लाह सोनिया कल क्यामत वाले दिन अपने नबी दे हौस ते भी सानू एवें कठियां फरमा दे और जन्नत दे अंदर भी सानू एवें आबाद फरमा दे। हजरात माहे रमजान जिदा के अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल अज ग्यारवा रोजा है और ये महीना वो महीना है कि जदों आगाज होंदा है अल्लाह पाक तमाम तर शयातीन नू जकड़ देंदे ने और जिन्नात नू जकड़ देंदे ने। अल्लाह पाक जहन्नम दे दरवाजे बंद करके जन्नत दे दरवाजियां नू खोल देंदे ने और अल्लाह पाक दियां रहमतां और बरकतां दा नजूल इस महीने दे अंदर कसरत दे नाल हुंदा है। अल्लाह पाक दे फरिश्तियां दा नजूल हुंदा है। रमजान वो महीना है, फरमाया के जिस महीने दे अंदर जिस बंदे ने कलमा पढ़िया मन काला ला इलाह इल्लल्ला फौत हो गया सीधा जन्नत विच जाएगा। जिन्हें सदका कीता अल्लाह दी राह दे अंदर उस तो बाद उन्हों मौत आ गई सीधा जन्नत विच जाएगा। फरमाया जिन्हें रोजा रखिया सही मुस्लिम दी हदीस है जिन्हें रोजा रखिया रोजे दी हालत दे अंदर उन्हों मौत आ गई अल्लाह पाक उन्हों सीधा जन्नत दा दाखला ता फरमान। हजरातो हाजरीन ए रमजान वो महीना है कि जिस तरह जाहरी मौसम दे अंदरों एक मौसम बहार हुंदा है मोमिना वास्ते रूहानी मौसम चो एक मौसम बहार है। ग्यारह महीने गुनाह कर करके थक जान वाले वास्ते सेलां लग गई ऑफरां आ गई ने कि मेरे बंदेओ आ जाओ मेरे को मंग लो मैं तुहानू अता करांगा मेरे को माफी मंगो मैं तुहानू माफी देंगा गुनाहां दी बख्शिश मंगो मैं तुहाडे गुनाह माफ करांगा। हजरात माहे रमजान दियां बेशुमार खसूसियात ने जिन्हां दे अंदरों माहे रमजान दी एक खसूसियत है कि माहे रमजान नजूले कुरान दा महीना है। वैसे जिस दिन तो अल्लाह पाक ने जमीन बनाई है और आसमान बनाए ने कुरान पाक अंदर इस बात का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह पाक ने उस दिन तो ही दिना और महीनों की तरतीब भी लगा छोड़ी। जिस दिन तो जमीन बनाई है अल्लाह पाक ने और आसमान बनाए ने यानी रमजान ए शवाल ज़िकादा ज़िलहज ए जड़े अरबी महीने ने इन्हां दी तरतीब अल्लाह पाक ने लगाई है और दिना दी तरतीब के अज जुमा है अज हफ्ता है अज इतवार है इन्हां दिना दी तरतीब भी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने लगाई है। हजरातो हादरीन ये रमजान वो महीना है कि पहलियां उम्मतां दे अंदर भी इस महीने नूं ए एजाज हासिल है कि हजरत मुहद्दस दौरान शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने जो कि बहुत बड़े पाए दे मुहद्दस गुजरे ने सही सनद दे नाल एक रवायत नकल कीती है कि ए रमजान वो महीना है जिदी यकम तारीख नूं इब्राहिम अलैह सलाम ते अल्लाह पाक ने सहायफ नाजल फरमाए ने जिदी सत तारीख नूं मूसा अलैह सलाम ते अल्लाह पाक ने तौरात नूं नाजल फरमाया जिदी 19 तारीख नूं अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैह सलातो सलाम ते जबूर दा नजूल फरमाया और 13 तारीख नूं ईसा अलैह सलातो सलाम ते अल्लाह पाक ने इंजील दा नजूल फरमाया और 24 रमजान
25वीं रात नूं अल्लाह पाक ने सारे दा सारा कुरान ही नाजल फरमा के उतार के एक मुकाम खास जिन्हों लोहे महफूज किया जाता है कुरान के अंदर लोहे महफूज के नाम तो याद किया जाता है उस आसमाने दुनिया ते उस मुकाम ते अल्लाह पाक ने एक बार सारा ही कुरान नाजिल फरमा के जमा फरमा दिता। नबी पाक दी 23 साल जिंदगी दे अंदर जिमें जिमें फिर जरूरत महसूस होंदी रही अल्लाह पाक अपने कलाम दा नुसूल फरमांदे रहे कदे 2 आयतां कदे 4 आयतां कदे 10 आयतां कदे 1 सूरत कदे 2 सूरतां कदे कुरान दा कोई हिस्सा कदे कुरान दा कोई हिस्सा। हज़रातो हाज़रीन रमजान और कुरान दा आपस दे अंदर बड़ा मजबूत ताल्लुक है। मुहद्दिसीन साढ़े असलाफ औलियाए कराम रमजान दे महीने दे अंदर खास करके कुराने पाक दी तिलावत दा इहतमाम कीता करदे कुराने पाक दी तफहीम दा इनू समझन दा इनू सिखन दा इहतमाम कीता करदे। मुहद्दिसीन तमाम तर मसरूफियात नू छोड़ के खास कर रमजान दे अंदर कुराने पाक नाल दिल लगा लेंदे और कुरान नज़ूले कुरान दा महीना है माहे रमजान इस बात दा जिक्र अल्लाह पाक ने वाज़िया कुराने पाक दे अंदर फरमाया है। सारी कायनात दे खालिक ओ मालिक अपनी मुकद्दस किताब कुराने हकीम अंदर ऐलान फरमा रहे ने शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह रब्बे दुल जलाल फरमा देने लोगो ए रमजान ओ महीना है जिदे अंदर असा कुरान नाजल फरमाया है जिदे अंदर असा कुराने पाक दा नजूल फरमाया है और ए कुरान लोगां वास्ते हिदायत दा जरिया बन के आया है हक और बातल दे दरमियान फर्क करन वालियां वाजिया इदे अंदर दलीलां ने हलाल ओ हराम दे अंदर तमीज करन वालियां वाजिया इदे अंदर दलीलां ने वाजिया इदे अंदर बातां ने सही और गलत दे अंदर फर्क करन वालियां लोगों कुरान और रमजान आपस के अंदर बड़ा मजबूत ते गहरा ताल्लुक है। वेखो ना सारी कायनात दे इमाम पैगंबर आमीना दे लाल शाह उमम सुल्तान मदीना आका दो जहां जदों रमजान दा महीना आ जांदा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान कर देने सही बुखारी दी हदीस है सारे लोगां चों ज्यादा नेकी दे कम करन वाले अल्लाह दे नबी करीम सन और रमजान दे अंदर सब तो ज्यादा नेकियां करन वाले भी अल्लाह दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा देने जदों रमजान दा महीना आ जांदा रोजाना दी बुनियाद सोने महबूब दे कोल नूरियां दे सरदार फरिश्तियां दे सरदार हजरत जबरीले अमीन आ जांदे अल्लाह दे नबी करीम नू जबरील कुरान सुना दे अल्लाह दे नबी करीम जबरील नू कुरान सुना दे ओ समंदर मंडी ते रहन वाले हो ओ कैसा समा होएगा कुरान सुनान वाला बशरां दा सरदार है ते कुरान सुन वाला नूरियां दा सरदार है कुरान सुनान वाला कितना अजीम है ते कुरान सुन वाला कितना अजीम है। रमजान दा महीना अल्लाह दे नबी करीम एवें गुजार दे आप जबरील नू कुरान सुना रहे ने जबरील आप नू कुरान सुना रहे ने लोगो कुरान ते रमजान इन्हां दा बड़ा मजबूत ताल्लुक है। सिर्फ दुनिया
दुनिया दे अंदर ही मजबूत ताल्लक नहीं, कल कयामत वाले दिन भी ये ताल्लक मजबूत ही रहना है। सारी कायनात इमाम पैगंबर आमीना दे लाल शाही उम्म सुल्तान मदीना आका दो जहान ऐलान फरमाया है। ओ लोगो जदों बंदा अल्लाह दे दरबार अंदर पेश होएगा, अल्लाह दे दरबार दे अंदर हर इंसान नू सोचना है कि मैं उत्थे जाके अपने रब दे सामने की जवाब देना है। जो बंदा अल्लाह रब्बे दुल जलाल दे दरबार अंदर पेश होएगा, अल्लाह दे नबी करीम फरमांदे ने उस दिन कुरान ते रोदा अल्लाह दे दरबार दे अंदर सिफारशी बन के आ जानगे। ओ यार कयामत वाला दिन ओ दिन कुरान ने दसया है जिस दिन आसमान टुट जानगे, कयामत वाला दिन ओ दिन जिस दिन जमीन उखड़ जाएगी, जिस दिन जमीन चटियल मैदान बन जाएगी, पहाड़ रेदा रेदा उड़ना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन समंदरां च अग लग जाएगी और जिस दिन खौफ ते वहशत तो बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन मां बेटे तो बेटा मां तो दूर दौड़ जाएगा, भाई भाई तो जान छुड़ाएगा, खामद बीवी तो जुदा हो जाएगा। ओ लोगो कयामत वाले दिन उथे कम की आना है, फरमाया बंदा अल्लाह दे दरबार अंदर खड़ा है ए जनाब कंब रहे आए परेशान परेशान, जिथे अंबिया भी डर रहे होंगे, जिथे औलिया भी डर रहे होंगे, उथे अज हजरत इंसान खड़े होए ने जनाब इधरों एदा हिसाबो किताब शुरू होने लगा है, इधरों कुरान आ जाएगा सिफारशी बन के। सुभान अल्लाह, अल्लाह सानू भी कुरान की सिफारिश अता फरमा दे। इधरों कुरान आ जाएगा सिफारशी बन के, कुरान आखेगा अल्लाह सोने जेड़ा आ बंदा है ए दिनां नू मेरियां तिलावतां करदा सी, रातां नू तरावियां पढ़दा सी, क्याम करदा सी, अल्लाह जी इस बंदे नू माफ कर दिता जाए। इधरों रोजा आ जाएगा अल्लाह सोने सारा सारा दिन बंदा मेरी वजह तो हलाल तो ही रुकया रहिंदा सी, शाबात बुराइयां तो रुकया रहिंदा सी, या इलाहु लालमीन मैं सिफारशी बन के आया वा, अल्लाह सोने साड़ी सिफारिश कबूल की जाए। अल्लाह फरमान गे और रमजान ते कुरान ताड़े दोनों दी मैं सिफारिश कबूल कर लीए। अल्लाह फरमान गे मेरे बंदे जा मैं रब ने तेनू माफ कर दिता है, तू मेरी जन्नत अंदर चला जा। रमजान ते कुरान दा साथ नभाओ, कयामत वाले दिन ताड़ा साथ नभानगे। रोजेदारां नू कल बख्शाना कुरान ते रोजे ने, रोजेदारां नू कल बख्शाना कुरान ते रोजे ने, सुने रब नू जाके मनाना कुरान ते रोजे ने, रोजेदारां नू कल बख्शाना कुरान ते रोजे ने, सुने रब नू जाके मनाना कुरान ते रोजे ने, दिन रोजे दा इहतमाम कीता, दिन रोजे दा इहतमाम कीता, राती रज रज यार कयाम कीता, राती रज रज यार कयाम कीता, जिन्ना रोजे दा इहतमाम कीता, राती रज रज यार कयाम कीता, तंबू रहमत दा बन जाना कुरान ते रोजे ने, तंबू रहमत दा बन जाना कुरान ते रोजे ने, रोजा पाक गुनाम तो ढाल होना, रोजा पाक गुनाम तो ढाल होना, दिन हशर दे तेरे नाल होना, रोजा पाक गुनाम तो ढाल होना, दिन हशर दे तेरे नाल होना,
विच जन्नत दे ले जाना, ओ विच जन्नत दे ले जाना, तैनू विच जन्नत दे ले जाना। कुरान ते रोजे ने रोदे तारानू कल बख्शाना, कुरान ते रोजे ने तेरा इंजदा इस्तकबाल होशी कल कयामत वाले दिन। जे दुनिया दे अंदर रोजे रखे होणगे, कुरान पढ़िया होएगा, कुरान दे मुताबक जिंदगी बसर कीती होएगी, तेरा इंजदा इस्तकबाल होशी, तेरा इंजदा इस्तकबाल होशी। ना जग नू ख्वाब ख्याल होशी, ना जग नू ख्वाब ख्याल होशी, तैनू तमगिया नाल सजाना, तैनू तमगिया नाल सजाना। कुरान ते रोजे ने ओ तैनू तमगिया नाल सजाना, कुरान ते रोजे ने रोदे तारानू कल बख्शाना, कुरान ते रोजे ने। जेड़ा माहिर बिल कुरान होशी, जेड़ा माहिर बिल कुरान होशी, ओदा रब सुना मेज़बान होशी, ओदा रब सुना मेज़बान होती, बड़ा अजर रब कोलों आता। कुरान ते रोजे ने तंबू रहमत दा बन जाना, कुरान ते रोजे ने। ते कुरान अल्लाह दी किताब है जिदे बारे फरमाया, किताबुन अनसलनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिहि वलियतदक्कर उलुल अलबाब। अल्लाह फरमांदे ने एहो किताब है जड़ी असा नाजल फरमाईए ताकि तुसी लोग गौरो फिकर करो, तफक्कर करो, तदब्बर करो, अकल वाले एदे तो नसीहत हासिल करन। ए कुरान अल्लाह पाक दी कलाम है। अल्लाह दे नबी करीम फरमांदे ने जमीना आसमाना नू बनाने तो 2000 साल पहले अल्लाह रब्बे तुल जलाल ने अपने फरिश्तियां दी एक मजलिस बुलाई, फरिश्तियां दी एक मीटिंग बुलाई, ओदे अंदर खुद अल्लाह पाक ने कुरान दी तिलावत फरमाई है। क्या बात है, खुद अल्लाह पाक ने कुरान दी तिलावत फरमाई है। ओ कुरान है फरमाया जिन्हू पढ़ के सुन के दिलानू सुकून मिलदा है। अल्लाह रब्बे दुल जलाल ने कुराने पाक दी तिलावत फरमाई है। इन्हां फरिश्तियां ने नूरियां ने सुनिया है, पुकार उठे कहन लगे या खुदा बंदे बारी ताला एक कलाम असा सुनया है, सानू बड़ा सुकून मिलया है, एक कलाम सानू दे दिता जाए ताकि असी सुन के पढ़ के सुकून हासिल करिए। अल्लाह रब्बे दुल जलाल फरमा दिने ओ मेरे नूरियो नहीं नहीं नहीं, मैं एक जहान बनावांगा इंसाना दा, इंसाना दे विचों कुछ मेरे मुंतखब बरगदी दा लोग होनगे, जड़े मेरे अंबिया ते नबी होनगे। मेरा एक आखरी नबी होएगा जिदा नाम होएगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ओदी लाडली उम्मत होएगी। ए कुरान मैं उस नबी ते उस उम्मत नू अता करांगा। असी लोग किड्डे खुशकिस्मत हां, अल्लाह पाक ने सानू कुरान हकीम जैसी अजीम नेमत नाल माला माल फरमाया है। दुआ करो अल्लाह कदर करन दी तौफीक अता फरमाए और इस कुरान दे मुताबक जिंदगियां बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान जिन्हों अल्लाह पाक फरमांदे ने ताड़े सीनिया वास्ते बेहतरीन शफा बन के आईए, या अय्युहन नास कद जा तुकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर।
اللہ فرما دینے لوگو تاڑے سینے آوازتے بہترین شفا بنا کے اسا قرآن نازل فرمایا ہے کتے اللہ فرما دینے وانو نزیلو من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اس قرآن اسا رحمت شفا بنا کے مومنہ واسطے نازل فرمایا ہے اللہ نے فرمایا قرآن شفا بنایا ہے شفا کہتے اللہ رب ذوالجلال فرما دینے کو لوگوں والی الذین آمنوا ہدن و شفا اسا قرآن ہدایت شفا بنا کے نازل فرمایا ہے کہتے اللہ رب ذوالجلال فرما دینے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جن نے فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا ہے اپنے بندے دے اوپر تاکہ اے دے ذریعے خوشخبریاں دتیاں جان اور اے دے ذریعے ڈرایا جائے او دنیا جہان اندر بسن والے او لوگ اے قرآن ہے ساڈی خوش قسمتی ہے اللہ پاک نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے ساڈی قسمت چ رب دی کتاب گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن برکت والا لوگو اللہ دا قرآن برکت والا جس تے نازل ہویا او وی عظمت والا جس تے نازل ہویا او وی عظمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا اترن لئی قدراں دی رات آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے اے قرآن قرآن جڑا حافظ جناب قرآن دا بن جاندا ہے اعزاز پا لیندا ہے مقام پا لیندا ہے او لوگو تسی طب دیاں کتاباں دے حافظ نہیں ویکھے او لوگو تسی انگلش تے ریاضی دیاں کتاباں دے حافظ نہیں ویکھے او لوگو تسی دنیا دے علوم و فنون دیاں کتاباں دے حافظ نہیں ویکھے جے تساں حافظ ویکھے نے تے قرآن دے حافظ ویکھے نے میں تے جاننا واں تاریخ نو چار چار سال دے بچے وی انہاں قرآن یاد کیتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 7 سال دی عمر چ قرآن حفظ کیتا حضرت امام شافی 9 سال دی عمر چ قرآن حفظ کیتا او لوگو مامون رشید دے دربار دے اندر چار چار سال دے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہندوستان دے 2 بچیاں نے 6-6 سال دی عمر دے اندر قرآن زبانی یاد کیتا اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے دن حشر دا تے خلقت پریشان گئے دن حشر دا تے خلقت پریشان گئے او بن کے ماں باپ لئی سونا تاجا گئی بن کے ماں باپ لئی سونا تاجا گئی
गई, साड़ी किस्मत च रब दी किताब आ गई, वेखो रहमत किवें बेहिसाब आ गई। लोगो आदम नू माफी दी आयत मिली, लोगो आदम नू माफी दी आयत मिली, हजारा ऐतां दी सानू सआदत मिली। किनिया ऐतां अल्लाह पाक ने तां फरमाइया, हजरत आदम नू एक आयत मिली, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम नू एक आयत मिली, अल्लाह पाक ने सानू 30 पारे अता फरमाए ने, 114 सूरतां दित्तियां ने, 540 रकू दिते ने, 6236 अया दित्तियां ने, 77439 कलिमा दिते ने, 340740 हरूफ दिते ने। लोगो आदम नू माफी दी आयत मिली, हजारा ऐतां दी सानू सआदत मिली, दिन हशर दे सफारश सफात मिली, नूर कबरां दा बन के मेहताब आ गई। साड़ी किस्मत च रब दी किताब आ गई, वेखो रहमत किवें बेहिसाब आ गई। और ये कुरान है, अल्लाह पाक दी मुकद्दस किताब है जड़ी अल्लाह पाक ने सानू अता फरमाई। लोगो इस कुरान नाल जुड़ जाओ और कुरान पाक दे नाल जुड़ो, औलादां नू कुरान पढ़ाओ। हजरातो हाजरीन, रमजान और कुरान दा आपस दे अंदर बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा ताल्लुक है। और कुरान दे बारे सारी कायनात दे इमाम पैगंबर आमीना दिलाल शाही उम्म सुल्तान मदीना आकाए दो जहां ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ताडे चो सब तो बेहतर वो बंदा है जिन्हें कुरान सिखिया है और सिखाया है। और एक हदीस है, दूसरी हदीस, इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ताडे चो सब तो अफजल वो बंदा है जड़ा कुरान दा इलम हासिल करदा है और अगे इलम पहुंचांदा है। और तीसरी हदीस है, इकराउल कुरान फइन्नहु याती यौमल कियामति शफी अली असहाबी। लोगों कुरान पढ़ो, एक कुरान ही है जिन्हें क्यामत वाले दिन ताड़ी सिफारिश करनी। और फरमाया, इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा वयज़ाउ बिही आखरीन। इस कुरान की वजह तो अल्लाह कौमां नूं इज्जतां दिंदे ने और इस कुरान नूं छड्ड देण की वजह तो अल्लाह लोगां नूं पस्ती और जिल्लत के अंदर डबो दिंदे ने। और हदीस है, फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअस्सफरतिल किरामिल बरर। लोगो कुरान नूं पढ़न वाले क्यामत वाले दिन रब दे नूरानी फरिश्तियां दे नाल खड़े होंगे। कैसी अजमत वाली और शानो शौकत वाली बात है। अल्लाह पाक सानू कुरान ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल।